इसकी क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। इसमें आपका इंट्रोडक्शन या इसकी डेफिनेशन दोनों शामिल है। अच्छा, सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल टू यूज। इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंसिवली यूज फॉर राइट वेरियस एप्लीकेशन। उन एप्लीकेशन में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एंड मैनी सी सी एज अ बेस फॉर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, ये आपका एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, लेकिन ये जो सी वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। स्टार्ट समझ लो आप कह सकते हो इसी से हुआ था, गॉड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसको ही कह सकते हो। सी सी लैंग्वेज के बाद फिर बाकी जो है ना प्रोग्राम्स बनने लगे, सी प्लस प्लस, टर्बो सी और दूसरे वेरिएंट नाम देकर वो आए थे। ठीक है, सी सिर्फ सिंपल नाम दिया, अल्फाबेट सी लैंग्वेज, हाँ, और उसका कोई एब्रीविएशन कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये इसको पॉपुलरिटी क्यों मिली, इसकी मशीन इंडिपेंडेंट की वजह से, क्योंकि मशीन को रन करने के लिए जो प्रोग्राम्स जो कोडिंग की गई वो इसी पे की गई। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले सबसे पहले यूनिक्स और लिनक्स था वो इसी पे ही बनाया गया था। उसपे मतलब वो शुरू में मतलब डॉस प्रॉम्प्ट की तरह चलता था, उसमें टूल्स और जीयूआई बेस नहीं था वो। ठीक है, उस टाइम मतलब उस दौर के हिसाब से तो बड़ा वो बहुत ही बड़ी चीज समझी जाती थी। बाद में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनने लग गए, जैसे अब आपके पास विंडोज एक्सपी और 7, 10 या 11 तक ये आ चुके हैं। ठीक है, तो पहले पहले उसको ये बनाया गया था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका था, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनको कहते हैं, वो इसमें बनने के साथ साथ कुछ दूसरे एप्लीकेशन बनाए गए थे, जिसमें आपका ये डेटाबेस से रिलेटेड ऑरिकल है, पाइथन है, ये और दूसरे सॉफ्टवेयर थे, वो भी इसी में बनाए गए थे। अब इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं हम, हिस्ट्री में आ जाओ, हिस्ट्री अब जरा और से सुनो। ये आपको सारे मतलब आप इसको कह सकते हो प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है ना, ये शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या मामला थे, कौन कौन इन्वॉल्व थे, कौन कौन से लैंग्वेजेस आए, इसको जरा गौर से सुनना। अच्छा, बेस ऑफ फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एल्गोल, इसको शॉर्टकट में एल्गोल कहते हैं। एल्गोल 1916 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यूरोप साइड पे हुआ क्योंकि गोरो ने ही इन चीजों के ऊपर ज्यादा काम किया है, यूरोप साइड से ही शुरू हुआ। उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट क्या थे, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर की मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया थे उस प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, उस प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर कहते हैं ताकि वो चलने में इजी हो। स्टेप बाय स्टेप अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसी स्टेप पे रुक के उसको करेक्शन करके फिर आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाया जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो उस कम्युनिटी ने क्या किया, 1967 में न्यू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनाउंस्ड कॉल्ड BCPL, उसको ये नाम दिया और एब्रीविएशन क्या है इसका, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, वो किसने डिजाइन किया गया था, एंड डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड। मार्टिन रिचर्ड ही वो बंदा है जिसने सी लैंग्वेज का बेस जो ना रखा, असल में जो इसका इन्वेंटर था वो मार्टिन रिचर्ड ही था। इससे पहले दूसरे लोगों ने भी काम किया था, लेकिन सही मानों में इसी ने ही इसको मतलब कंप्लीट, जिसको कहते हैं ना बुनियाद से लेकर एंड टू एंड, इसको फाइनल इस बंदे ने किया था, तो क्रेडिट इसी को जाता है। ठीक है, स्पेशली फॉर राइटिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर, असल काम वही है जो कोडिंग वाला है वो इसी ने किया था, इसलिए स्पेशली राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस वॉज द इरा ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस दौर में जो ना प्रोग्रामिंग साइड पे ज्यादातर काम किया गया था। जस्ट आफ्टर 3 years, अच्छा 3 साल गुजरने के बाद क्या हुआ, 70s में अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बी। ठीक है, जैसे सी था ना, 70s में फिर बी आया। बी वॉज इंट्रोड्यूस बाय केन थॉम्पसन, उसने ये एक प्रोग्रामिंग, सब कोडिंग का ही काम करते थे, लेकिन जाहिर सी बात है उसको कोई टाइटल देना होता था, उसको कोई नाम देना था, तो उन्होंने जी ने थॉम्पसन ने क्या किया, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बी नाम रखा, उस पर काम करना शुरू कर दिया। था उसमें क्या, कंटेंट मल्टीपल फीचर ऑफ BCPL, जो इससे पहले 60s के दौर में जो BCPL प्रोग्रामिंग बना था, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसके कुछ फंक्शन इन्होंने लिए थे, ये चीजें आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ हिस्ट्री तक हूं मैं। ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस, उसके कुछ कोड्स वो लेकर अपना जो है बी, जिसको नाम दिया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके कोड कंबाइन करके उसको बी का ही नाम दे दिया। ठीक है, दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें विंडोज नहीं था,
तो उसके बेस पे उन्होंने क्या पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो एक मशीन पे चलता था, जैसे हमारा मशीन आज कंप्यूटर है, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उन्होंने किसके बेस पे, बीसीपीएल को उसके कोड्स लेकर अपने प्रोग्राम जो बनाया उसमें मिक्स करके उसका नाम डी लैंग्वेज दे दिया एक तरह से, ठीक है। कहाँ पे दिया उन्होंने, ये नाम आपने सुना होगा, अभी तो चल रहा है AT&T, ठीक है, जो मोबाइल्स वगैरह हार्डवेयर बनाते हैं, ठीक है, इसको दिया। और दूसरा बेल लेबोरेटरीज, ये बेल लेबोरेटरी भी बहुत मशहूर है, इन्होंने बड़ा इस इंडस्ट्री में बड़ा अहम किरदार अदा किया है आपके प्रोग्रामिंग साइड पे और हार्डवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर फील्ड में, ठीक है, ATM से ज्यादा बेल लेबोरेटरीज, ठीक है। बोथ बीसीपीएल एंड बी वर्ड सिस्टम प्रोग्राम है। अब ये सिर्फ इनका बुनियादी मकसद क्या था, इन दोनों लैंग्वेज का, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं थे ज्यादा, इनका बेस जो जो जिस मकसद पे ये काम कर रहे थे, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ये ज्यादातर काम करते थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बनाते थे एक तरह से जो मशीन के अंदर यूज हो सके। मशीन आपका जब तक तो उसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, जैसे वो आप डेफिनेशन पर उस वक्त पढ़ा था खाली एक डब्बा है, जब उसमें प्रोग्राम होगा उसमें रूह मतलब जलेगी, वो इसका रूह वाला काम कर रहे, तब वो मशीन अपनी कारकर्दगी दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ जी, 70s के अंदर ही 72 में अ ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट, दोबारा इसी बंदे का नाम है डेनिस रिचर्ड, जो फादर है सी लैंग्वेज का, जिसने जो बनाया इसको अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड सी बनाया उन्होंने, कहां पे बेल लेबोरेटरीज में उन्होंने कंप्लीट किया। अच्छा, उन्होंने कैसे किया, इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम एल्गोल बीसीपीएल और बी प्रोग्रामिंग। अब थॉमसन का जो काम था जो उन्होंने बी लैंग्वेज पे किया था और जो बीसीपीएल था उनका जो काम था, इन्होंने क्या किया साहब ने, रिचर्ड ने ज्यादा मेहनत किया इसके ऊपर, उन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर, उनकी कोडिंग्स, उनके लॉजिकल चीजें, वो सारे चीजों को सामने रख के, अपनी जो उन्होंने की थी पढ़ी थी उन सबको सामने रख के, इन्होंने काम तो 60s के दौर में किया था लेकिन साथ चलते रहे, बाद में इन्होंने 70s के बाद इन्होंने तीनों प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज को मर्ज करके एक प्रोग्राम बनाया, उसको उन्होंने नाम दिया सी लैंग्वेज का। वो सी लैंग्वेज इतना पावरफुल हो गया कि उसके अंदर सारे फीचर्स आ गए ना भाई, पहले थॉमसन था उसने बी लैंग्वेज के अंदर बीसीपीएल और वो शामिल करके काम किया था, और उससे पहले एल्गोल था, इसने तीनों के फंक्शन इसमें डाल दिए, तो वो मतलब तीन की पावर एक में आ गई, तो सी लैंग्वेज उन्होंने बनाया। सी लैंग्वेज कंटेंस आर दी फीचर्स, ठीक है। अच्छा, और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स कौन से थे जो रिचर्ड ने खुद उसमें डाले थे, ठीक है। इस वजह से अभी तक सी लैंग्वेज को फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, अभी तक भी उसमें बन रहे हैं, आपके आगे चल के मैं बताता हूँ उसको कंटिन्यू। अब इसमें देखो कैसे क्या काम हुआ, इसको फादर ऑफ लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, उसकी वजूहत ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अच्छा, पावरफुल लैंग्वेज है ये मैं बता चुका हूँ, विच इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद यूनिक्स, सी लैंग्वेज को ही बनाया गया भाई, ये आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन कब, जब इसमें बीसीपीएल और बी लैंग्वेज और एल्गोल के फंक्शन सारे मिलने के बाद, ठीक है। मोस्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कोडेड इन सी, ठीक है। इनिशियली सी प्रोग्रामिंग वॉज लिमिटेड टू यूनिक्स, शुरू में उन्होंने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो बनाया उसके लिए कोडिंग करते थे सी के ऊपर, बाद में क्या हुआ, बट एज इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट अराउंड दी वर्ल्ड, जाहिर सी बात है अब एक प्रोग्रामिंग एक जगह पे यूज हो रही है तो किसी कंपनी में, किसी और इदारे में, किसी और मुल्क में उस पर काम हो रहा है, जैसे आप हमारे पास अब हम वीपी पे यहाँ काम कर रहे हैं ना, ये किसी और ने बनाया, किसी और कंट्री से आया, हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी सी शार्प भी यूज कर रहे हैं हम, जावा भी यूज कर रहे हैं, लेकिन जिसमें हमें काम करने में ईजी होगा हम उसको मतलब आगे रखेंगे, तो जिसकी ज्यादा मशहूरी होगी एक तरह से, जिसमें हमें ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा, फ्लेक्सिबल मिलेगा, टाइम कंज्यूमशन कम होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये चीजें सब सी में थी, इसीलिए वो अराउंड द वर्ल्ड मतलब वो स्प्रेड हो गया, मतलब उसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई सी लैंग्वेज की। अच्छा, इस वजह से क्या हुआ, कमर्शियल यूज में आ गया, इट बिकम्स कमर्शियल एंड मेनी कंपाइलर्स वर रिलीज्ड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम। अच्छा, ये क्या चीज है जी, कंपाइलर और क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम क्या है, देखो जावा प्लेटफॉर्म एक अलग है, सी प्लेटफॉर्म एक अलग है, आप इनको एक एक मतलब जावा के कोड को सी में यूज करने के लिए या सी के कोडिंग को प्रोग्राम को जावा पे यूज करने के लिए हमें एक कंपाइलर चाहिए होता है जो उसको कंपाइल करे, मतलब उस कोड को रीड करके उसका आउटपुट उस पे दूसरे पे शो कर सके, या एक तरह से हम फंक्शन जैसे एक जगह से दूसरी जगह कॉल करते हैं इस तरीके से, ठीक है। टूडे सी रन्स अंडर अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। अब सी जो है ना बहुत से जगहों पर यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है वो आगे मैं बताता हूँ आपको।
एज इट स्टार्टेड इवॉल्विंग मेनी डिफरेंट वेरियस ऑफ द लैंग्वेज वर रिलीज्ड, बहुत सारे लैंग्वेज हुए आपको पता है, पहले बता चुका हूँ, जैसे जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, टर्बो है, सी शार्प है, VB.NET है, VB सिंपल है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, एट टाइम्स इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द डेवलपर्स टू कीप अप विद द लेटेस्ट वर्जन एज द सिस्टम वर रनिंग अंडर द ओल्डर वर्जन। अब इससे ड्रॉबैक क्या हुआ जी, सिस्टम आपका जो है ना पुराने वर्जन पे चल रहा है, लेकिन आगे के जो प्रोग्राम डिजाइन हो रहे हैं वो न्यू वर्जन पे हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी ओल्ड और न्यू वर्जन की वजह से, कंपैटिबिलिटी का इश्यू आ रहा था। अच्छा, टू अश्योर दी सी लैंग्वेज विल रिमेन स्टैंडर्ड, अब इसको स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए क्या किया, जो ANSI है, ये सबने सुना होगा, ये अभी तक चल रहा है, जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो पैरामीटर्स स्टैंडर्ड सेट करता है, ये बताता है कि आप अपने प्रोग्रामिंग में ये रूल फॉलो करोगे, ये बुनियादी प्रिंसिपल्स आप लेकर चलोगे, ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो ये होना चाहिए, इफ एल्स कंडीशन की ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है, ये सजेशन सब देंगे, जावा वाला बंदा भी देगा, सी वाला भी देगा, ठीक है, और किसी और प्रोग्राम सब देंगे, इफ एल्स की अगर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लेकिन वो उन तीनों चारों प्रोग्राम को जो सजेशन मिला होगा उनका जो जिस पे जो एक मुत्तफिक नहीं हो, जिस पे डिसाइड हो जाते हैं ना भाई, ये आपको पैटर्न लेके चलना है, ये स्टैंडर्ड होगा, वो स्टैंडर्ड कौन फिक्स कर रहा है, आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट डिफाइंड कमर्शियल स्टैंडर्ड, कब किया इन्होंने 1989 में, लेटर उसके बाद एक और भी इदारा है अप्रूव हुआ है किसने किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ANSI जो है ना ये अमेरिका तक लिमिटेड रहा, लेकिन ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये आपका पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, ANSI को आप ये कह लो कि ये आपका अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है स्टैंडर्ड्स को सेट करने का, वो आपके हार्डवेयर से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग के से हवाले से, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो उनको अप्रूव करता है, ठीक है। इसके बाद अब पहले जब हमने कहा था कि भी सी लैंग्वेज की जो पॉपुलरिटी है वो कंट्री टू कंट्री स्प्रेड होती गई, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी रिजल्ट्स को देख के, तो कंट्री टू कंट्री कोई ना कोई तो अप्रूव करे, कंट्री टू कंट्री जो अप्रूव करने वाला एक इंटरनेशनल इदारा है ISO, ये इसने फिर उसको अप्रूव किया, उसको एक लिस्ट में डाला, मतलब वर्ल्ड वाइड लिस्ट में डाला कि भाई ये सी लैंग्वेज अब आप जो है ना यूज कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे भी, अप्रूव लाइसेंस के तौर पर एक पैरामीटर सेट करके, ठीक है। ISO सिर्फ आपने देखा होगा आपके IT फील्ड में नहीं है, ये ISO आपने देखा होगा फार्मा में भी है और भी शोबों में, तकरीबन हर शोबों में, लेकिन क्या है इनके वहां पे सेक्टर्स बने हुए हैं, IT के सेक्टर अलग है, फार्मा का अलग है, और आपके मेडिकल का अलग है, और दूसरा क्या है कमर्शियल चीजों का अलग है, मतलब अलग अलग ब्रांचेस बने हुए हैं, ठीक है। इन दोनों से नेशनल लेवल पे अमेरिका से हुआ सी लैंग्वेज अप्रूव, फिर उसके बाद इंटरनेशनल पे ISO से हुआ, ठीक है, और ये कब हुआ है 1989 के दौर में। अच्छा, लैंग्वेज सच एज सी प्लस प्लस जावा आर डेवलप्ड फ्रॉम सी, अब सी तो बेसिक है, वो फादर है, उससे बाद में इनके ये बच्चे जी बने हैं सी प्लस प्लस या टर्बो सी या जावा, ये प्रोग्राम जो बने वो उनकी कोडिंग जो की गई वो सी लैंग्वेज पे ही की गई, ठीक है। दीज लैंग्वेज आर वाइडली यूज इन वेरियस टेक्नोलॉजीज, बहुत से जगहों पे आपने देखे होंगे, अभी भी देखे होंगे जावा पे बहुत से एप्लीकेशन देखे होंगे, कंपनियों में, इदारों में, हॉस्पिटल्स में जो प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं वो कोई सी पे बना हुआ है, सी प्लस प्लस पे बना हुआ है, कोई जावा पे बना हुआ है, जावा पे बहुत सारे एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे आजकल मार्केट में। अच्छा, इसका नतीजा क्या हुआ जी, थस सी फॉर्म्स अ बेस फॉर मेनी अदर लैंग्वेज दैट आर करंटली यूज, तो इसको फादर इसलिए किया, कहा गया है कि जी सी लैंग्वेज ने ही असल में बुनियाद रखी जिसके बाद जो है ना बाकी प्रोग्राम्स वजूद में आए, इसी के कोडिंग से, इसी के फंक्शन से, इसी के स्ट्रक्चर से, इसी के सारे मतलब पैरामीटर से, ठीक है। एक चार्ट मैंने आगे बनाया है जी छोटा सा, इसको समझाने के लिए होता कैसे, आप समझ तो गए होगे कि जी क्या कहते हैं सी लैंग्वेज, इसकी हिस्ट्री और ये होता क्या है, आपने एक लैंग्वेज पढ़ ली है विजुअल स्टूडियो के अंदर VB का, तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे चलता है, उसके अंदर क्या मामला होते हैं, तो सी लैंग्वेज का काम भी उसी तरह है, ठीक है। लेकिन लेकिन अब इसको डिटेल में जाने से पहले मैं इसके पैरामीटर्स को बताता हूँ, उसके बाद डिटेल में फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। कोडिंग जो कर रहे थे मूव है वो कुछ और था, सी की कोडिंग कुछ और है। अब देखो एक एक को मैं उनको कंपेरिजन करके आ जाऊ,
एक एक को मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। बेसिक्स, बेसिक कमांड्स मैंने लिए हैं इसमें सी लैंग्वेज के। यहाँ पे एश का साइन है और इंक्लूड है, और जो ब्रैकेट्स है जो एचटीएमएल में हम यूज करते थे वो ब्रैकेट्स है, stdio.h किया हुआ है। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? दिस कमांड इंक्लूड एक्सटेंडेड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और ब्रैकेट में इसको दे दिया, फ्रॉम द सी लाइब्रेरी बिफोर कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, ठीक है। सी में आप कोडिंग करोगे जैसे आप वीबी में करते थे, तो वहां पे हमारे पास क्या था, ऊपर नेम स्पेस करके फॉर्म की क्लास थी, या डेटा अगर डालें डेटा की क्लास थी, वो एक हेडर फाइल थी। तो सी में जो हेडर फाइल है वो ये होती थी, इंक्लूड, नहीं आ रहा था सर, अच्छा जी अब आ रहा है। जैसे वहां पे इस पे नेम स्पेस करके बीबी की जो थी क्लास, फॉर्म की सिर्फ फॉर्म ही लेता हूं, तो यहाँ पे इन्होंने हेडर फाइल क्या दी हुई है सी लैंग्वेज का, अपना इंक्लूड करके मतलब वो शामिल कर रहा है उसको, नहीं आ रहा अभी भी। क्या हो सकता है उसको, चलो ऐसी देख लो, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसकी देख लो आप। अच्छा, इसमें जो ये स्टूडियो जो डॉट हेड है इसको क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड एसटीडी से आई से इनपुट ओ से आउटपुट और हेडर फाइल, ये मेन फाइल है हेडिंग, ये क्लास लाइब्रेरी है सी की, इसके अंदर सारे इनपुट आउटपुट के हवाले से फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स और ये चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, आप सी लैंग्वेज शुरू करने से पहले ये आप लाजमी दोगे, ताकि नीचे जो आप कोडिंग करने जा रहे हो वो स्मूथली रन हो, क्योंकि नीचे जो कोडिंग आप कर रहे हो वो जो पैरामीटर्स आप लिखते हो, जो कीवर्ड आप यूज करते हो, जो कोडिंग यूज करते हो, वो उसको कहां से समझेगा, वो उसको लिंक कर रहा होगा उस हेडर फाइल से जो ऊपर आपने डिफाइन किया। जैसे अगर हम एचटीएमएल की बात करें, एचटीएमएल में ऊपर हेड एचटीएमएल दे रहे थे और नीचे हेड करके टाइटल दे रहे थे, तो नीचे जो बॉडी के अंदर कोडिंग कर रहे थे तो उससे क्या था, उस ब्राउजर को पता चल रहा था ये जो जितनी कोडिंग की गई है ये एचटीएमएल फाइल के लिए की गई है, ये ब्राउजर पे ही रन होगा। तो हर प्रोग्रामिंग का बेसिक चीजें वही है, वहां पे नाम कुछ और होगा, पैटर्न कुछ थोड़ा चेंज होगा, उसके कीवर्ड्स थोड़े चेंज हो गए, लेकिन काम पर्पज वही होगा। अब किसी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में डीबगिंग कम है, किसी में ज्यादा है, ये चीजों के डिफरेंस की वजह से जो है ना, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉप पे आता है, कोई किसी रैंकिंग पे आता है, कोई किसी रैंकिंग पे आता है, ठीक है। दूसरा कोड हम लिखते हैं, ये एक सिंपल प्रोग्राम है पूरा, एक सादा सा वो बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा कोड क्या लिखते हैं, आई एन टी, ये वही इंटीजर है, और ये मेन आपका करके ये ब्रैकेट बंद किए गए, मेन फाइल, जब आप सी की फाइल को रन करते हो तो ये मेन फाइल रन होती है मेन करके, ठीक है। वहां पे आपका मेन वो फॉर्म वाला था, मेन जो पहला फॉर्म खुला हुआ है वो रन होता था वीबी में। अच्छा, इट इज द मेन फंक्शन फ्रॉम वेयर सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, मतलब वो रन होता है जो F5 करके हम वीबी में करते थे। अच्छा, इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन, अब ये आपने इनिशियल करके इसको दे दिया मेन का, और ये ब्रैकेट आपको बताएगा कि यहाँ से आपकी मेन कोडिंग शुरू हो रही है सी की, जो आप मतलब करना चाहते हो, जो काम आप प्रोग्रामिंग के तौर पे यूज करना चाहते हो, वहां पे जैसे हम जो भी करते थे डिस्प्ले करने के लिए, इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, वो वाला काम यहाँ पे कैसे इस ब्रैकेट के बाद शुरू होगा, ये ब्रैकेट देना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, ये फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक करके और इतना स्टेरिक करा के फिर फॉरवर्ड स्लैश क्लोज कर रहे हैं, ये क्या है, प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सी चीजें हम कमिट्स में डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कोई और प्रोग्रामर अगर इस पे काम करना चाहता है आपके लिखे हुए कोड पे, तो उस कमिट में उसके इजी करने के लिए हम कुछ जुमला लिख देते हैं या कोई लफ्ज लिख देते हैं कोई ऐसा, ताकि नीचे वाली कोडिंग उसको समझ आ जाए कि वो जो नीचे कोडिंग है इस कमिट से वो किस चीज के बारे में,
किसी बटन के ऊपर कोडिंग कर रहे हैं तो उसके बटन का जो फंक्शन होता है ना, बटन क्लिक वाला जो इवेंट वगैरह, जो आप अगर वीपी को जेन में ले आओ तो उससे पहले हम कमेंट डाल देंगे ये बटन सेव करने के लिए, इसमें ये डेटा सेव हो रहा है, ताकि प्रोग्राम ये समझेगा अगर मुझे सेव वाले उस पर अगर चेंजिंग करना है तो ये कमेंट में से लिखा है यहाँ पे सेव हो रहा है, यहाँ पे मुझे चेंजिंग करनी है, कोई और प्रोग्रामर के आसानी के लिए है। बेसिकली कमेंट डालने का मकसद ये होता है, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट्स पे जब बंदा कोई काम कर रहा है ना प्रोग्रामर, वो बीच में कहीं छोड़ के चला जाता है या वो किसी और प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो जाता है तो उसकी जगह कोई और प्रोग्रामर उसके काम को आगे चलाता है, तो उसको आसानी हो इसीलिए कुछ जगहों पे प्रोग्रामर्स क्या करते हैं अपने कोड के बीच में कमेंट्स लिखते हैं। तो सी में कमेंट्स डालने के लिए ये स्टेरिक साइन और फॉरवर्ड स्लैश का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, सी के बेसिक कोड्स में एक और चीज है, प्रिंट एफ का एक फंक्शन है, वहां पे क्या था, हम मैसेज बॉक्स पे दे रहे थे फॉर्म्स के अंदर, वीबी के अंदर मोर टू क्या है ना, सही है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्या करेगा, आपका जो आप भी लिखोगे इस इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है आपका, इस पे प्रिंट एफ के बाद ब्रैकेट में, ये प्रिंट एफ क्या करेगा, ये फंक्शन, ये एक प्री डिफाइन फंक्शन है इसका सी का, जैसे वीबी में बहुत सारे प्री डिफाइन हमने फंक्शंस कीवर्ड्स पढ़े थे, तो ये भी इसका अपना है, ठीक है। ये आप जो भी इस ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास लिखोगे, ये आउटपुट में आपका जब प्रोग्राम रन होगा ये आउटपुट में वो दिखाएगा, जो भी आप लिखोगे यहाँ पे क्या होगा, वो हेलो वर्ल्ड आपको एग्जीक्यूशन के बाद दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और फंक्शन यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड यूज किया है, गेट सी एच ब्रैकेट और एक, इसमें ज्यादातर एक चीज याद रखना, सी में आप देख रहे होंगे हर कोड के साथ ये इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं, ये नहीं दोगे आपका जो टैग है या जो आपका कोडिंग है या जो आपका कीवर्ड है वो इनकम्प्लीट होगा, वो रन नहीं होगा, वो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा कंपाइलर आपका, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये लगा हुआ है रिटर्न के साथ भी गेट सी एच के, अब इस गेट सी एच का क्या है, दिस कमांड इज यूज फॉर एनी कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम दी कीबोर्ड, कोई भी आप करेक्टर डालोगे, वहां पे हमारे पास क्या था वीबी में, कोई मुझे बताएगा वहां पे हम ये वाला काम कैसे कर रहे थे, यहाँ पे गेट करेक्टर क्या करता है, कमांड इज यूज फॉर एनी करेक्टर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ये वो इनपुट लेता है आपके प्रोग्राम के अंदर, जो यूजर इनपुट दे रहा है उसको वो ये सेव करता है या अपने मेमोरी में रख लेता है आगे यूज करने के लिए, आगे यूज आप डिस्प्ले में करो या उसको कैलकुलेट कराओ या जो भी आप कराओ, वीबी में क्या करते थे, वहां पे हम कैसे दे रहे थे अपने इनपुट्स कीबोर्ड से, बताओ भाई याद करो, लास्ट में कोडिंग है आपका रिटर्न ब्रैकेट्स में और इन्वर्टेड कॉमास, ये क्या करता है, यूज टू टर्मिनेट अ सी प्रोग्राम, आपने जो करना था ऊपर जो भी कर दिया यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड करने के लिए, जब तक आप रिटर्न ये भी दोगे आपका प्रोग्राम चलता जाएगा, एग्जीक्यूशन में ही रहेगा, तो जहाँ आप चाह रहे हो कि आपका प्रोग्राम बस यहाँ तक रन हो उसके बाद वो जो है ना एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए या टर्मिनेट हो जाए, तो वहाँ आपको कोडिंग के एंड पे जाके रिटर्न का फंक्शन देना पड़ेगा, ये भी अपना कीवर्ड है सी लैंग्वेज का, और इसी तरह ये कर्ली ब्रैकेट जो है ना, कर्ली ब्रैकेट आपको क्लोज करना है, इसके बीच का जो सारा काम है ये आप कह सकते हो ये आपका बॉडी वाला काम है जो आप HTML में करते हैं, ठीक है। सिंपल सादा प्रोग्राम लिखा है इस तरीके से, जो है ना एक एप्लीकेशन एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस की चीजों के नाम चेंज हो गए, बाकी काम उसी तरह ही होगा सारा, लेकिन सी लैंग्वेज में आप टूल्स यूज नहीं करोगे, सी लैंग्वेज आपका डोस प्रॉम्प्ट की तरह काम करेगा, जैसे ब्लैक स्क्रीन खुला हुआ है इसी में आप करेक्टर दोगे, वो पीछे उसको गेट करेक्टर में सेव कर रहा होगा, अगर आपने कैलकुलेशन पीछे रखी हुई यहाँ पे, तो हम लोग फॉर्म के अंदर कोडिंग में लिख के सारा कर रहे होते हैं, जो करेक्टर लिया है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, मैसेज बॉक्स में उसका रिजल्ट दिखाओ, यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, वो आपको सब यूनिक्स में भी ऐसी था शुरू में, डॉस प्रॉम्प्ट बेस पे काम हो रहा था सारा, ठीक है, जीयूआई बेस नहीं है। आगे चले, अच्छा जी, ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं उन चीजों को जहन में रख के सोच रहा था कि आपके जहन में क्या क्या आ सकता है। देखो जी, सी लैंग्वेज यूज तो आप काफी हद तक समझ गए होंगे, जो जो मैंने प्रोग्राम्स के नाम लिए, जो जो सी लैंग्वेज पे बनाए गए हैं उससे आप समझ गए होंगे कहाँ का यूज होता है ये,
लेकिन मजीद मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स में उसको और हाईलाइट किया है कि कैसे है। अच्छा कहाँ का यूज हुआ है जी? पहला एक जो है ना सी लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या है? आप देखो अभी भी अपना कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपके मशीन से रिलेटेड रन हो रहा हो, जैसे उसकी मैं बात करूंगा आपके कंपनीज में कार्ड सिस्टम होगा ना, कार्ड पंच वाला सिस्टम, वो तो एक हार्डवेयर है। अब वो कार्ड के पीछे बार कोड होता है, ठीक है? अब वो तो मशीन सारे वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं जीरो और वन की, ठीक है? लेकिन हम प्रोग्रामिंग वाले जो है ना, हमें पता है कि वो बाइनरी लैंग्वेज पे कैसे उसको मतलब कन्वर्ट करना है, ट्रू फॉल्स कैसे करना है। ट्रू फॉल्स वही है, जीरो वन बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं उसको, ठीक है? तो वो आप कर रहे हो, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो कि आप मशीन लगाओ कंप्यूटर में, वो वीवी पे प्रोग्राम बनाया है, वो अटेंडेंस आप रीड कर मशीन के थ्रू, लेकिन आप चाहते हो मैं ऐसा एक कोड बनाओ उसको स्ट्रॉन्गली जो इस मशीन वाला काम जो ना रीड करने वाला करे, तो वो कोड आप बना के इसी पे आप उसको सेकेंड प्लेटफॉर्म जो आपका वीवी है उस पर आप रन करा सकते हो। यहाँ पे इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा है, आप जावा पे बना रहे हो, जावा के अंदर आप चाहते हो सी लैंग्वेज का छोटा सा कोई प्रोग्राम है मैं बना के उसको जावा में यूज करो, तो ये एम्बेडेड सिस्टम इसी को ही कहते हैं, उसी में एम्बेड करना, उसमें जोड़ना, उसके साथ उसको चलाना, ठीक है? सी लैंग्वेज इस तरह भी यूज हो सकता है। दूसरा क्या है, इट इज यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशन। सिस्टम एप्लीकेशन कौन से? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, एक्सपी वगैरह जो भी है, वो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हो, क्योंकि ये इसका बुनियादी सिस्टम के ऊपर है, ठीक है? और इसी तरह यूनिक्स लिनक्स इस पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, कहाँ पे यूज है? इट इज वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर तक महदूद नहीं है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन तक भी इसकी है। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन कौन से हो गए जी? ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप वाले कौन से जी? ये यही है आपके जो जिसपे आप काम कर रहे हो, ये पावर पॉइंट है, ये आपका ऑफिस का पूरा पैकेज है, एडोब है आपका, ठीक है? और वीवी को भी आप कह सकते हो खुद, वो विजुअल स्टूडियो पूरा, जितने जो आप सॉफ्टवेयर डाल रहे हो इनपेज वगैरह, ये सारे एप्लीकेशन आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ सी लैंग्वेज में आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, बनाया भी गया है, आगे आपको और मजीद पता चलेगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय एडोब, ये एक इधारा है, आर डेवलप्ड यूजिंग सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, एडोब के भी बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए गए हैं सी लैंग्वेज पे, और ये एडोब जो है ना वो कौन से एप्लीकेशन है आपके, कौन से एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, और यहाँ डेस्कटॉप एप्लीकेशन कह सकते हैं, ठीक है? अब उसमें वो फोटोशॉप भी होगा, आपका इलस्ट्रेटर भी होगा, वो मामला सारे, ठीक है? अगर पूरा पूरा उसमें डिजाइन सी लैंग्वेज पे नहीं किया गया, लेकिन सी की कोडिंग कहीं ना कहीं वो एम्बेडेड वाला जो सिस्टम ऊपर में बता रहा हूँ, एम्बेडेड कुछ कोड या कुछ ऐसा दो चार प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बना के उसको एम्बेड करके कहीं ना कहीं उसको रन किया है उसके साथ मिला के, ठीक है? अच्छा, और इसके अलावा कहाँ यूज हुआ सी लैंग्वेज का जी? इट इज यूज फॉर डेवलपिंग ब्राउजर्स एंड देयर एक्सटेंशन। उसमें सबसे पहला कौन सा? गूगल क्रोमियम या गूगल क्रोम, वो आपका इज बिल्ट यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी आपका सी लैंग्वेज पे ही बनाया गया है। प्योरली नहीं, लेकिन इसके कुछ कोड का हिस्सा, कुछ प्रोग्राम इसके सी के लाजमी है, चाहे वो उसका बुनियादी प्रोग्राम का हिस्सा हो, चाहे सेंटर का हो, चाहे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे प्रोग्राम के किसी भी पोर्शन से हो, लेकिन सी लैंग्वेज इसमें यूज किया गया है, ठीक है? इसी तरह इट इज यूज टू डेवलप डेटाबेस। अगर डेटाबेस की तरफ हम चलते हैं तो माई एसक्यूएल एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर विच इज बिल्ट इन सी, ये भी सी में बनाया गया है। अच्छा, डेटाबेस में और अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ आपको डेटाबेस में समझाने के लिए, सबसे पहले आपके ऑफिस की पैकेज की बात करूंगा, उसमें एमएस एक्सिस है, ठीक है? वो भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा यहाँ ये नाम दिया एमएस एसक्यूएल, ठीक है? इसके अलावा जो आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है ऑरिकल, ठीक है? तो ये तीन काफी हैं। तो इसमें क्या है, MySQL के अंदर भी मतलब उसको बनाने में भी, उसको बिल्ड करने में भी सी लैंग्वेज यूज किया गया है। और आगे यूजेज की बात करें, इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहले भी बात हमने की थी, अब उस वक्त हमने यूनिक्स लिनक्स की बात की, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सच है यहाँ पे क्या है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम OS, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मॉडल दिया हुआ है एक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड साइबीन,
are developed using C language. It is used for developing desktop as well as mobile phones operating system. अच्छा जी, मोबाइल डेवलपर में यूज हुआ है। अब ये जो कुछ वर्जन के नाम बता रहा है, एप्पल के ऑपरेटिंग एक्स हो गया और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया और साइम्बियन, ये एप्पल के सिस्टम पे ही चलते हैं। एप्पल के बहुत सारे मतलब प्रोनाउंस में, चाहे वो सिस्टम से रिलेटेड हो चाहे एप्लीकेशन रिलेटेड हो, उन्होंने ज्यादातर सी को यूज किया है क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है और ये फास्टर होता है, इस वजह से बड़ा फ्लेक्सिबल होता है और लाइट भी होता है एक तरह से लोड वगैरह के लेने के चक्कर में। और सबसे इसको ज्यादा पॉपुलरिटी मिलने की वजूहत क्या है कि आप इसको एम्बेड करके किसी और सॉफ्टवेयर के साथ भी रन करा सकते हो, जावा के कोडिंग के साथ भी यूज कर सकते हो उसको, टर्बो सी में, एडवांस में, उसको आगे पीछे कहीं भी ओल्डर वर्जन पे भी ले जाओ या न्यूअर वर्जन पे भी ले जाओ, वो उस पर रन होगा आपका एप्लीकेशन जो सी पे, जो प्रोग्राम का पोर्शन बनाओ या पूरा प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, इट इज यूज फॉर कंपाइलर प्रोसीजर। कंपाइलर वाला, कंपाइलर क्या होता है जी, एक कोड लिखा है, अब वो कोड चल कैसे रहा है, मतलब आपने कोड लिया, वीबी की अगर बात करूं वहां पे आपने वेरिएबल बना दिया, उसमें एक नंबर डाला है, दूसरा वेरिएबल बना दिया उसमें दूसरा नंबर डाला, फिर आपने एक अल्टोमेटिक ऑपरेटर लिया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस जो भी लिया, वो उसको एक एक्सप्रेशन दे दिया कि भाई पहले वेरिएबल का जो नंबर है उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करो और तीसरे वेरिएबल में उसका जो ना वैल्यू जो रिजल्ट है वो डाल के उसको मैसेज में डिस्प्ले करो। ये जो पूरा प्रोसेस जो चल रहा है ना बैकग्राउंड पे, ये इसको आप कह सकते हो ये कंपाइलिंग हो रही है। ठीक है, कंपाइलिंग इसको कहते हैं, समझ में आ रही बात। तो सी लैंग्वेज में जो है ना, वो सी लैंग्वेज को एज अ कंपाइलर यूज किया जाता है, क्यों, एम्बेडेड सिस्टम्स की वजह से। एम्बेडेड सिस्टम कब वो काम करेगा, जब वो सही तरह से कंपाइल हो, रीड होके सिर्फ वो एग्जीक्यूशन वहां पे होगी उस दूसरे सॉफ्टवेयर पे जहां पे आप सी का कोड चलाना चाहते हो। ठीक है, ये उसकी होगी यूजेज। यहां पर किसी को कुछ पूछना है ऐसी चीज जो कंफ्यूजन है, कोई ऐसी बात है।